मुमरा दीवा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि आज से दीवा डंपिंग ग्राउंड बंद करने का फैसला लिया गया है और अब कचरा भंडारली में डाला जाएगा। ये बयान जारी करके मनपा कमिश्नर अभिजीत बांगर ने भी दीवा डंपिंग बंद होने की बात कही है। दीवा डंपिंग ग्राउंड बंद होने से दीवा वासियों में काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। शिंदे गुट के नेता रमाकांत मड़वी और तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर पटाखे फोड़ते हुए ढोल ताशे बजाकर नाचते झूमते नजर आए। मुमरा और दीवा में इस डंपिंग से निकलने वाले धुएं से लोग काफ़ी बीमार हो रहे थे और कई बार इसके खिलाफ आंदोलन भी किया गया। कई राजनीतिक पार्टियां और संगठनों ने इस डंपिंग ग्राउंड को बंद करने की मांग भी की और आखिरकार अब दीवा डंपिंग को बंद करने का फैसला लिया गया। आज दीवा का खुश है, ऐतिहासिक दिन है। मागच्या 22 वर्षात त्यांनी संघर्ष केलेला आहे, त्रास सहन केलेला आहे। पूर्ण ठाणे शहराचा कचरा आणून दिव्या शहरात टाकला जात होता आणि 4 लाख लोक त्रस्त होती। सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिव्याकरांना वचन दिलेला की मी दिव्यातून डंपिंग कायमस्वरूपी रद्द करेन, पण काही लोकांनी भंडावलीतील ग्रामस्थांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला। ज्यांनी नॅशनल शाळेसमोरची जागा डंपिंगसाठी दिली त्यांनीच भंडावलीवाल्यांना भंडावलीच्या घनकचऱ्याच्या प्रकल्पासाठी जागा मिळू नये म्हणून विरोध केला। पण तरी देखील एकनाथ शिंदे साहेबांचे घेतलेला निर्णय 14 गावातील ग्रामस्थांना आणि समितीला समजावून सांगितलं आणि भंडावलीतील घनकचरा प्रकल्प उभा राहिला आणि आज दिव्याकरांना कायमस्वरूपी डंपिंग मुक्ततेतून दिव्याकरांना दिलासा दिलाय। मी दिव्या शहरातील 4 लाख नागरिकांच्या वतीने व बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या वतीने सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब, महापौर नरेश म्हस्के साहेब, राम वेपाळ साहेब, अभिजीत महापालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर साहेब, या सगळ्यांचं दिव्याकरांच्या वतीनं व बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या वतीने मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो।